गंदगी फैलाने में भारत नंबर वन। स्वाइन फ्लू की पुष्टि, 12 मर गए। डेंगू से 27 लोगों की मौत। क्या होगा हमारे देश का? सुनो, ये कूड़े वाला आज भी नहीं आया है। 4-5 दिन से कूड़ा सड़ रहा है, क्या करना है? इसमें इतना क्या सोचना, पॉलिथीन में बांध के बाहर फेंक दो। अच्छा ठीक है। पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ शीर्ष को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। डॉक्टर मैम, शीश को क्या हुआ है? इसे डेंगू हुआ है। डॉक्टर मैम, ये कब तक ठीक हो जाएगा? इसे वीकनेस बहुत हो गई है, इम्यूनिटी भी बहुत कम हो गई है। 3-4 महीने तो लगेंगे। जब शीश अब एग्जाम्स नहीं दे पाएगा। हाँ बेटा। इसका मतलब शीश की ये साल वेस्ट हो जाएगी। हाँ बेटा। मगर शीश को डेंगू हुआ कैसे? बेटा हर जगह पॉल्यूशन, गंदगी, चारों तरफ नालियाँ चौक हुई है, मेन होल ओवरफ्लो हो रहे हैं, उन पे ये मक्खी मच्छर बैठेंगे तो बीमारियां तो फैलेंगी। लेकिन अंकल, इन सबका जिम्मेदार कौन है? इन सबके जिम्मेदार बेटा हम ही लोग हैं। हम लोग सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं, वो लोग आएंगे और साफ सफाई करेंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम लोगों को उठानी पड़ेगी। साफ सफाई हम लोगों को करनी चाहिए। अगर हम लोग साफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो हमारा देश भी हेल्दी रहेगा। अमन, तुम ये क्या कर रहे हो? फ्रेंड्स, मैं ये समझ गया हूँ कि अगर हमारे इंडिया को आगे बढ़ना है तो हमारा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस गंदगी के कारण हम ऐसे ही बीमार होते रहे तो एक दिन पूरा इंडिया बीमार हो जाएगा। तो आओ हम सब प्लेज लें कि ना तो गंदगी करेंगे, ना ही गंदगी करने देंगे। हाँ, हम और उस दिन के बाद से इन छोटे छोटे बच्चों ने साफ सफाई को लेकर जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। ना तो इन्होंने खुद ही कभी गंदगी फैलाई और ना ही कभी किसी को फैलाने दी। ये था योगदान इन छोटे छोटे बच्चों का अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए। अब सवाल ये है कि इस देश को स्वच्छ बनाने के लिए आपका योगदान क्या है?